हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास नाइन्थ में फिजिक्स में यानी कि साइंस के अंडर में फिजिक्स वाले सेक्शन में ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सॉल्व कर रहे थे और लास्ट के वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 21 तक बच्चों सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ये वीडियो बच्चों यूट्यूब ने रिकमेंड किया है, आपको ये वीडियो कहीं से मिला है, तो जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन है, तो जो पिन कमेंट है उस पर रीड मोड पे आप क्लिक करोगे तो आपका पूरा क्लास नाइन्थ का सिलेबस वहां पर ओपन होकर खुल के आ जाएगा। वहां पर आपको ग्रेविटेशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले लिंक पर क्लिक करना है, तो इसके पहले के पूरे क्वेश्चन का प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में खुल के आ जाएगा या लैपटॉप यूज कर रहे हो तो उसमें आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बच्चों चैप्टर पढ़े बिना करने की कोशिश ना करें, इसमें क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं और इसमें इसको करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो सर मैं कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर करूँ? बच्चों जाइए कमेंट सेक्शन में, ग्रेविटेशन एक ऊपर भी लिंक दिया होगा, ठीक है, तो जो ऊपर ग्रेविटेशन का ओनली ग्रेविटेशन यहाँ लिखा होगा वहाँ मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया है। 21 to 22 क्लासेस वहाँ पर लगी होंगी, बिल्कुल सही सुना आपने। एक घंटे में इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश ना करें। अब आप नाइन्थ क्लास में हो, कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर करिए, ठीक है। तो पूरा आपको वो प्लेलिस्ट देखना है, जब आप 7 to 8 डेज का टाइम देके उसको देख लें अच्छी तरीके से, तब आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले लिंक पे क्लिक करिए, तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आपके क्लियर होंगे और एग्जामिनेशन में आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करिए पहले, और जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है तो आइए आप स्टार्ट करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले लिंक पर क्लिक करिए, वहां से स्टार्ट करिए। ये मैंने नए बच्चों के लिए बताया है और पुराने बच्चों को बताया आज से हमको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 22। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, द अर्थ इज एक्टेड अपॉन बाय ग्रेविटेशन ऑफ सन इवन दो इट डज नॉट फॉल इन टू द सन, वाई? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि देखिए ये सन है और एक ऑर्बिट होता है ये अर्थ का, आपको पता है, ठीक है। तो ये सन है, ये सपोज सन है और यहाँ पे अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रही है अपने ऑर्बिट में, ठीक। अब ये जो सन है बच्चों, ये अर्थ पे एक पुल लगाता है, खींचता है इसको। कौन सा फोर्स से खींचता है? ग्रेविटेशनल, नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचता है, उसकी बात तो बाद में आएगी, उसको छोड़िए। आप बोला है ना इन्होंने, कह रहा है कि द अर्थ इज एक्टेड अपॉन बाय ग्रेविटेशन ऑफ सन, मतलब अर्थ पे सन के द्वारा जो ग्रेविटेशन लगता है वो लगता है। हाँ भाई हमें पता है, तो कह रहा है ये अर्थ ऐसे गिर क्यों नहीं जाती है सन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बताना चाहते हैं दो बातें। पहली बात ये कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, हमने आपको पहले के क्वेश्चंस में भी बताया, तो ये देखिए ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है अर्थ सन के चारों तरफ, ठीक है। तो इस बॉडी पे सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है जिस फोर्स को हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, और वो सेंट्रीपेटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है, वो सिस्टम का ही फोर्स होता है। यानी कि जरूर इस सिस्टम में कोई एक ऐसा फोर्स हो रहा होगा जो किसकी ड्यूटी निभा रहा होगा? सेंट्रीपेटल फोर्स की। तो वो ड्यूटी कौन सा फोर्स निभा रहा है? तो जवाब है ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स एक्टेड बाय द सन ऑन द अर्थ इज बिहेविंग लाइक सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यहां पर जो सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने के लिए वो कहां से मिल रहा है? जो सन अर्थ पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है बच्चों, यही वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स है यही क्या काम कर रहा है? सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कर रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो हमने ये लिखी कि भाई ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सन लगा रहा है अर्थ पे, ये सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। बात समझिए बच्चों, देखिए बात यह है कि उनका क्वेश्चन ये था कि ये जो सन है ये अर्थ पे अगर ऐसे करके एक पुल लगा रहा है, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स अगर लगा रहा है, तो अर्थ गिर क्यों नहीं जाती? सही बात है, लेकिन सोचिए जो सन अर्थ पे ऐसा ऐसा फोर्स लगा रहा है, ऐसे इसको खींच रहा है, अगर वो फोर्स किसी और फोर्स की ड्यूटी देने लगे तो वो फोर्स कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशन फोर्स। अब वो किसकी ड्यूटी दे रहा है बताइए? वो दे रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स की। सर ये सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है भाई? कोई भी बॉडी अगर क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन अगर कर रही, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही, तो आपने पढ़ा हुआ है मोशन वाले चैप्टर में कि मोशन या फोर्स ऑफ लॉ, कहाँ पढ़ा था? मोशन में आपको पढ़ा था। कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही, जिनको नहीं पता है सुन ले, तो जरूर उसको इस सर्कुलर पाथ में बच्चों मूव करने के लिए एक सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत होती है। अब वो सेंट्रीपेटल फोर्स कोई नया फोर्स तो होता नहीं है, वो सिस्टम का ही फोर्स होता है। जैसे चौराहे पे जब आप ऐसा गाड़ी को घुमाते हैं तो टायर और रोड के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो किसकी ड्यूटी देता है? सेंट्रीपेटल फोर्स की। मतलब कोई भी बॉडी बच्चों अगर ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करी तो जरूर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, वही सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वही उसको हमेशा उस सर्कुलर पाथ में मेंटेन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमने आपको ये बच्चों कई बार दिखाया भी, देखिए जैसे कि कोई बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रही, तो इसकी डायरेक्शन किसी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करके। तो ये देखिए अभी टेंजेंट ऐसा है, तो इस पे फोर्स ऐसा लग रहा है, फिर ये टेंजेंट ऐसा है, मतलब इस बॉडी की डायरेक्शन ऐसी है, फिर ये फोर्स ऐसा लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि फोर्स हर टाइम इसको सेंटर की तरफ खींच के रखने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा करते हुए वो उसको
एक सर्कुलर मोशन में ले आता है, मतलब सर्कुलर मोशन मेंटेन कराने के लिए यही सेंट्रीपेटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो एक बार थोड़ा सा हमने बच्चों क्लेरिफाई कर दिया कि हाँ भाई ये जो सन ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा था ये तो ग्रेविटेशन फोर्स की ड्यूटी देने लगा, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द अर्थ ये किसकी ड्यूटी देने लगा, सेंट्रीपेटल फोर्स की ड्यूटी देने लगा। अब सेंट्रीपेटल फोर्स की अगर ड्यूटी देने लगा और जहां पर भी बच्चों सेंट्रीपेटल फोर्स होता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है या वाइस वर्सा, मतलब कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहां सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत होती है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इतनी बात तो समझ में आ गई। फिर भी हमें और अगर क्लियरिफाई बच्चों एग्जाम में करना है, हमने क्या लिख दिया सिंपली कि ये वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये किसकी ड्यूटी कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स की, बस खत्म कहानी, फुल मार्क्स मिल गए। फिर भी आइए मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, देखिए जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन ऐसे करती रहती है तो फिजिक्स में हमने एक और कहानी बना के रखी, मनगढ़ंत कहानी, हमने थोड़ा सा शायद आपको बताया भी होगा मोशन वाले चैप्टर में, समथिंग इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है सर? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच्चों हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये जस्ट ऑपोजिट लग रहा है किसके, सेंट्रीपेटल फोर्स के। अब ये तो बच्चों देखिए वही कहानी हो गई क्या कि जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक, अब इसको आप खींचो उधर से 5 न्यूटन से और मैं भी इधर से खींचूं 5 न्यूटन से, तो ना तो ये इधर की तरफ गिरेगा ना तो ये उधर की तरफ गिरेगा। तो ठीक इसी तरीके से हम क्या मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन बच्चों ऐसे कर रही है तो अगर ये सेंट्री, देखिए जरा ध्यान से बच्चों, ये देखिए बॉडी मान लीजिए यहाँ है तो ये टेंजेंट है जो कि बॉडी की डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, बॉडी की मोशन की डायरेक्शन बता रहा है ना, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, और ये सेंटर की तरफ हमने क्या बनाया, सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स को हमने एफसी से दिखाया, हालांकि ये सेंट्रीपेटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, सिस्टम का ही फोर्स है इस केस में, तो वो जो ग्रेविटेशन है वो सेंट्रीपेटल फोर्स में यूटिलाइज हो गया। फिर भी अगर सामने वाला ना माने तो हम थ्योरी में ये लिखेंगे कि भाई जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स के बच्चों जस्ट ऑपोजिट क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम एफसी क्या बोलते हैं, चलो पूरा लिख देता हूँ मैं, सेंट्रीफ्यूगल ऐसे लिख देता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच्चों हम लोग मान लेते हैं कि एक बाहर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। अब मुझे बताइए अगर ये अर्थ है बच्चों, ये अर्थ है तो मुझे बताइए अर्थ पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं, एक सेंटर की तरफ और उतना ही एक बाहर, दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे इक्वल बट डायरेक्शन कैसी ऑपोजिट है। तो अब तो देखने से लग रहा होगा ना कि हाँ ये सेंटर की तरफ नहीं गिरेगी, इसको किसने रोक के रखा हुआ है बताइए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने। मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनिए, अर्थ दो काम कर सकती थी क्या, या तो ये सेंटर की तरफ गिर सकती थी, ठीक है, किसकी वजह से, सन के पुल की वजह से, सन ने जो ग्रेविटेशन फोर्स, या तो ये सेंटर की तरफ गिर सकती थी, पहली बात, तो जो ये सेंटर की तरफ स्टूडेंट्स गिर सकती थी इस फोर्स की वजह से अगर आपको लग रहा हो, तो उसको किसने रोका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने, एक कहानी हो गई है। दूसरी बात ये है यहां पर कि ये अर्थ टेंजेंशियली सीधे निकल सकती थी, ध्यान से चेक करिए, ये अर्थ ऐसे टेंजेंशियली अपनी डायरेक्शन में सीधे निकल सकती थी, इसको किसने मेंटेन किया, सेंट्रीपेटल फोर्स ने, क्योंकि हर पल ये इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अंदर की तरफ लगता है और ऐसा लगता है कि इसको लगातार इसकी डायरेक्शन चेंज करते हुए अंदर की तरफ मोड़ रहा है। बात समझ आई कि नहीं, इसको बच्चों हम अच्छी तरीके से कैलकुलेट करेंगे क्लास 11th में, अभी के लिए क्लियर है बताइए। तो दो प्रॉब्लम थी, सेंटर की तरफ गिरने वाली प्रॉब्लम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने क्लियर कर दी आपकी, और टेंजेंशियली ये सीधे स्ट्रेट लाइन में ना निकल जाए, इसको कौन कवर कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स, बार बार उसको मोड़ देता है सेंटर की तरफ। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब से भी ये ब्रह्मांड बना है, जब से भी अर्थवर्थ बनी, तब से ये कर रही है। कोई डाउट है बताइए इसमें। तो अब हम एग्जाम में आंसर कैसे लिखें, आप अपने मन से बना के लिख सकते हो, मैंने थोड़ा सा यहाँ टेक्निकल लैंग्वेज लिखा है बच्चों। सॉल्यूशन में हमने क्या बोला, सबसे पहले इनको हमने बोला द ग्रेविटेशन फोर्स, कौन सा, ऑफ द सन, सन ने जो ग्रेविटेशन फोर्स लगाया, ये ग्रेविटेशन फोर्स क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो हमने क्या लिखा, द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द सन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स टू कीप द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, अर्थ को उसके ऑर्बिट में ऐसे बनाए रखने के लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाए रखने के लिए ये ग्रेविटेशन फोर्स क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। बहुत बढ़िया, अब देखिए बच्चों ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, अभी भी अगर किसी को कंफ्यूजन है कि इसको काउंटर कौन करेगा, काउंटर मतलब इसका अपोज कौन करेगा, सोचिए, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन एक फोर्स और होना चाहिए, तो उस फोर्स को हमने क्या बोला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल दिया। तो हमने बोला हाँ भाई ये जो फोर्स होता है आपका सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है इसको काउंटर कौन करता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक शूडो फोर्स होता है, शूडो मतलब झूठा, हम फिजिक्स में ऐसा मान के चलते, बहुत सारी चीजें हम फिजिक्स में मान के चलते, हम फिजिक्स में ऐसा उससे हमारे काम बन जाते हैं ना, इसलिए तो बहुत सारी चीजें हम ऐसे मान के चलते हैं कि हाँ भाई होता है ऐसा, ठीक है,
अब ऐसा ये होता है कि नहीं होता है ये तो अब ऊपर वाले को ही पता है, क्योंकि बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप आगे स्टडी करेंगे आपको और चीज़ें पता चलेंगी, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले भी होते हैं, और आजकल तो क्लासिकल मैकेनिक्स भी आ गया, तो बहरहाल क्लासिकल मैकेनिक्स कह रहा हूँ सॉरी क्वांटम मैकेनिक्स भी आ गया है, ठीक है। तो बहरहाल वो सब आप आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए शूडो फोर्स एक होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसका एग्जांपल है, शूडो झूठा फोर्स। मान लिया गया कि हाँ भाई इसके अपोजिट एंड इक्वल एक फोर्स लगता है जो इसको बैलेंस करता है, तो इस सेंट्रीपिटल को काउंटर कौन करता है, सेंट्रीफ्यूगल। तो ये बात भी आप वहां पे लिख देंगे एग्जाम में। तो दिस काउंटर, दिस मतलब व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स काउंटर बाय व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच अराइजेस ड्यू टू द सर्कुलर मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। मतलब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पैदा होता है ये भी किसके कारण पैदा होता है, सर्कुलर मोशन के कारण बाहर की तरफ। तो बस दोनों ने काउंटर कर दिया। वैसे तो बताने के लिए इसमें बहुत कुछ है, तो वो आप अब क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्लास 9th हम इतना ओवर करते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों आगे लिखिए, दीज फोर्सेस बैलेंसेस ईच अदर एट आफ्टर एवरी इंस्टेंट। मतलब जैसे ही पल पल निकलता जाता है टाइम, हर पल ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, लाखों करोड़ों वर्षों से जब से ब्रह्मांड बना है। ध्यान से करिए, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हर पल क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि दीज फोर्सेस बैलेंसेस ईच अदर एट आफ्टर एवरी इंस्टेंट, सो दैट क्या हो जाए, सो दैट द अर्थ रिमेन्स इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है। इस तरीके से कि अर्थ अपने ऑर्बिट में रहती है, आइदर फॉलिंग इन टू द सन, ना तो सन में गिर के और ना तो गोइंग अवे टेंजेंशियली टू द ऑर्बिट, ना तो स्ट्रेट लाइन में ऐसा सीधा निकल के और ना तो सन में गिर के। कोई डाउट है बताइए। तो इस तरीके से हम इसका आंसर करेंगे, ओके नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 23 से बच्चों ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 23 से लेके लास्ट तक 26 तक है आई थिंक टोटल, लेट मी चेक इट, यस क्वेश्चन नंबर 26 तक बच्चों ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज वगैरह सब ठीक से लिख के एग्जाम में अगर आता है तो ठीक से आंसर देना है पूरा लैंग्वेज के साथ, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा, हाउ डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरी विद रिस्पेक्ट टू मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। बच्चों ध्यान से देखिए जरा, कह रहा है कि किसी बॉडी का जो वेट है ना वो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ कैसे वेरी करेगा, मतलब कैसे चेंज करेगा। अब कुछ कंडीशन दी होगी तो हमें चेक करना होगा कि बॉडी का वेट कैसे चेंज होगा। देखिए वेट और मास में डिफरेंस होता है, बॉडी का मास तो चेंज नहीं होता है। मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ द मैटर होता है, वो तो चेंज होगी नहीं। वेट क्या होता है, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि भाई अर्थ जितने भी फोर्स से किसी बॉडी को किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, अपने सेंटर की तरफ, यही आपने पढ़ा हुआ है। यानी कि बच्चों देखिए एक बात हम अगर आपको याद दिलाएं तो आपको बात ये आती है कि सर वेट ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी का वेट जिसका मास कितना है m, उसका वेट का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, m इंटू जी, याद है। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी, वेयर m स्मॉल m क्या है बताइए, मास ऑफ व्हाट बॉडी, जिस भी बॉडी की आप बात करो। ध्यान से सुनो बेटा, हम स्मॉल m से यहाँ मास ऑफ द बॉडी को दिखाएंगे और कैपिटल m से मास ऑफ द अर्थ को दिखाएंगे, कोई दिक्कत है बताइए। अब ये हो गया वेट ऑफ द बॉडी, लेकिन वेट ऑफ द बॉडी की डेफिनेशन क्या है कि भाई जितने फोर्स से अर्थ ने बॉडी को खींचा, अब कितने फोर्स से अर्थ ने बॉडी को खींचा अपने सेंटर की तरफ, तो वो तो आप डायग्राम बना के बच्चों देखिए यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए ये मान लीजिए बच्चों क्या है बॉडी, ऑब्वियसली पॉइंट साइज बॉडी होगी अर्थ के सामने, और ये देखिए अर्थ है, ठीक है। अब ये सेंटर टू सेंटर जो फोर्स लग रहा है इनके सेंटर टू सेंटर, ये देखिए इसका मास क्या है बॉडी का, स्मॉल m, और कैपिटल m किसका मास है, मास ऑफ अर्थ। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करिएगा, कैपिटल m इज द मास ऑफ द अर्थ और कैपिटल r इज व्हाट, रेडियस ऑफ द अर्थ। अब हमने आपको देखिए पहले भी बताया हुआ है क्या कि ये ऑब्जेक्ट अर्थ के बहुत सरफेस के बहुत पास होता है, ऑब्वियसली मार्कर मैंने पकड़ा हुआ है, तो यहाँ से लेके और ये जो फर्श पे हम लोग खड़े, बताओ ये कितना होगा, मुश्किल से कितना होगा, ये 1.5 मीटर होगा, 1 और 1.5 मीटर। तो बताइए बच्चों ये वाली डिस्टेंस क्या है, बहुत छोटी होती है, किसके कंपैरिजन में, आर के। इसलिए यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस ही हम कैपिटल आर ही मान लेते हैं, हमने आपको पहले भी बताया है, रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल मान लेते हैं। तो ये हमने आपको दिखाया दूर है, लेकिन ये एक्चुअल स्थिति कुछ ऐसी होगी बच्चों, ये देखिए सही बात है, अब तो सेटिस्फाइड हो। ये देखिए ये जो डिस्टेंस होगा इसको आप क्या अज्यूम कर लेंगे, कैपिटल आर। तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आप नजर करोगे तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है, आर है। अब सुनिए बताइए ये अर्थ बच्चों इसको कितने फोर्स से खींचेगी, तो जवाब है ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फॉर्मूला लगा दो, उतने फोर्स से खींचेगी। लेकिन ये अर्थ
इस ऑब्जेक्ट को जितनी भी फोर्स से खींचेगी वही तो इसका वेट है, यानी कि जो वेट होगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी से निकाला जाएगा। कितना होता है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द दिस बॉडी इज कैपिटल जी स्मॉल एम इंटू एम अपॉन में आर स्क्वायर, भूल चुके हो, एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। एम वन क्या होता है, ये बॉडी का मास, एम टू क्या है दूसरे का, बस एम वन की जगह स्मॉल एम, एम टू की जगह कैपिटल। तो बताओ इतने ही फोर्स से तो अर्थ इसको खींच रही है, और जितने फोर्स से खींचती है वही तो उसका वेट होता है, यानी कि यही तो हम इसके सामने रख सकते हैं वेट के सामने कि नहीं, बताइए, कैपिटल जी स्मॉल एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखिए एक बहुत फाइन चीज़ बच्चों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसको देखिए, देखिए वेट ऑफ द बॉडी ऐसा कुछ आ गया, हाँ भाई सही बात है ना, वेट ऑफ द बॉडी आपके सामने आ चुका है क्या, देखिए कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बच्चों आपको फोकस करना है, क्या फोकस करना है, कैपिटल जी क्या होता है, एक कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट वो चेंज नहीं होता, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है सबको पता है। स्मॉल एम देखो भाई जो बॉडी का मास है वो तो है, वो तो फिक्स है, वो भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये बच्चों स्मॉल एम भी क्या हो गया एक तरीके से इस क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट हो गया। तो बच्चों कॉन्स्टेंट इंटू कॉन्स्टेंट अ न्यू कॉन्स्टेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट होगा। तो ये हो गया बच्चों पूरा आपका क्या, कॉन्स्टेंट, बात समझ में आई। तो ये अगर कॉन्स्टेंट हो गया, और जो चीज़ कॉन्स्टेंट हो जाती है उस पर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती है, मतलब जो वेट ऑफ द बॉडी होगा ना वो अब इन पे नहीं डिपेंड करेगा, इन दोनों के प्रोडक्ट पे। अब वो किस पे डिपेंड करेगा, कैपिटल एम पे और आर पे। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। अब बच्चे बोलेंगे सर कैपिटल एम भी तो कॉन्स्टेंट है, कैपिटल आर भी तो कॉन्स्टेंट है। जी हाँ मुझे भी पता है कैपिटल एम क्या है, कॉन्स्टेंट है, अर्थ का मास थोड़ी ना चेंज होता है, अर्थ का रेडियस थोड़ी ना चेंज, वैसे तो होता है वो सब अलग चीज़ें उसको छोड़ी, कैपिटल एम नहीं चेंज होता है, कैपिटल आर नहीं, इतने जल्दी नहीं चेंज होगा, वो करोड़ों सालों के बाद कुछ हो जाए तो अलग बातें हैं, वो कुछ पार्ट्स में ब्रेक हो जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है। बट बच्चों ये एम और आर नहीं चेंज होता हमें भी पता है, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने कंडीशन लगाई हुई है, अभी आप पढ़िएगा, बोलेगा इन हाइपोथेटिकल कंडीशन रेडियस इतना हो जाए और मास इतना हो जाए, तो इस क्वेश्चन में मास ऑफ द अर्थ चेंज करना चाहते हैं और रेडियस, इसलिए मैंने आपको बोला कि भाई ये तो हो गया क्या कॉन्स्टेंट, तो वेरिएबल आपके पास क्या क्या है, मतलब जो वेरी कर रहे हैं, तो वो क्या है, मास और रेडियस। अब एक बात बताओ बच्चों, आपने तो पढ़ा हुआ फिजिक्स में, अगर हम यहां से कांस्टेंट हटा दें तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। तो यहां पर बच्चों वेट ऑफ द बॉडी जो आएगा वो कितना आएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब इस बात को पढ़िए क्या लिखा आ रहा है, बताइए, वेट ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द अर्थ एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। कोई दिक्कत है, बताइए। तो ये स्टेटमेंट मैं निकाल के लाया, इसमें अगर किसी को कोई समस्या हो तो बता दीजिए, हाँ। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ अर्थ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट इज व्हाट, कि वेट ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन आर स्क्वायर। बताइए कोई डाउट है। और एक बात बताऊँ बच्चों, देखिए जब भी ऐसा कोई फॉर्मूला आ जाए, कैसा, ऐसा, तो देखो पता है क्या बनता है, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, वेट ऑफ बॉडी मतलब ओ ओरिजिनल वेट ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय न्यू वेट ऑफ बॉडी। डब्ल्यू ओ क्या है, ओरिजिनल वेट ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय न्यू वेट ऑफ मास, नहीं चेंज कर रहा हूं मैं बॉडी के वेट चेंज होने की बात कर रहा हूं, बॉडी का वेट कब चेंज होगा चेक करो, अगर अर्थ का मास चेंज हो गया और अर्थ का रेडियस चेंज हो गया, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, अगर इसी फॉर्मूले को देखते हुए मैं आपसे बोलूं कि स्टूडेंट्स आप वेट ऑफ द बॉडी ओरिजिनल वेट बताइए, तो आप बोलोगे कि सर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू व्हाट, ओरिजिनल मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेडियस का स्क्वायर, सही है। और फिर हमने आपसे दूसरी बात पूछी क्या कि बच्चों व्हाट इज द न्यू वेट ऑफ द बॉडी, तो आप बोलोगे सर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, न्यू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय न्यू रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। अब जब ऐसा आ गया तो डिवाइडिंग बाय, ये मान लो रिलेशन वन है ये वाला, और ये क्या है रिलेशन टू है, तो बच्चों इसमें कुछ नहीं किया जाता है, LHS को LHS से डिवाइड कर दो, RHS को
RHS से डिवाइड कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से किया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दो और बीच में इक्वल लगा दो। सर क्यों इक्वल लगा दें, क्यों प्रोपोर्शनेट ना लगाएं? इसलिए लगा देंगे क्योंकि अगर हम यहाँ प्रोपोर्शनेट हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा। यहाँ प्रोपोर्शनेट हटाएंगे कॉन्स्टेंट, जब दोनों को डिवाइड करोगे तो कॉन्स्टेंट से कॉन्स्टेंट निकल जाएगा और बीच में क्या जाएगा, इक्वल। बात समझ में? और वो कॉन्स्टेंट कौन है, तो जवाब है वो कांस्टेंट क्या है, जीएम है, तो जीएम से जीएम निकल जाएगा। अगर जिसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो वो ऐसे करके इसको ओपन करके लिख ले लीजिए, अगर हम प्रोपोर्शनेट हटाएंगे तो वापस जीएम आ जाएगा ना कांस्टेंट, और अगर हम यहाँ प्रोपोर्शनेट हटाएंगे तो वापस क्या आ जाएगा, जीएम आ जाएगा। कोई दिक्कत है बताइए, कैपिटल जी और स्मॉल एम आ जाएगा। नाउ डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय टू, वन बाय टू, वन को टू से डिवाइड करिए। कैसे डिवाइड करते हैं, LHS को LHS से डिवाइड करिए, RHS को, बहुत इजी बच्चों ध्यान चेक करिए, ओरिजिनल वेट ऑफ द बॉडी और डिवाइडेड बाय न्यू वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो बच्चों इसको देखिए कैसे लिखते हैं, पहली इक्वेशन का राइट हैंड साइड यहां हम कॉपी कर लेंगे जी एम और साथ में क्या हो जाएगा एम नॉट अपॉन एम नॉट ही पढ़ते हैं इसको, एम जीरो पढ़ लो या एम नॉट या एम ओ जो पढ़ना पढ़ लो, ठीक है, आर ओ का स्क्वायर। और देखिए राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करना, तो डिवाइड का निशान भी तो लगाऊंगा और फिर इसको कॉपी कर लूंगा, तो क्या हो जाएगा जी एम और मास ऑफ अर्थ मतलब न्यू मास ऑफ अर्थ और डिवाइडेड बाय न्यू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। बताइए कोई डाउट है? अब यहां से स्टूडेंट देखिए एक फॉर्मूला हम ड्राइव मतलब बना लेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन तो लिखे रहने देते हैं बच्चों, भी पढ़ना है हमें, कहाँ पे करें इसको, यहीं पे करते हैं, देखते हैं क्या होता है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा जगह की कमी है, वेट ऑफ न्यू सॉरी वेट ऑफ ओरिजिनल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ व्हाट, वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ न्यू बॉडी, नहीं बॉडी तो वही है, ठीक है, ओरिजिनल वेट ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय न्यू वेट ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय न्यू वेट ऑफ बॉडी, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से करिए जी एम एम नॉट अपॉन में क्या आर नॉट का स्क्वायर और यहाँ क्रॉस लगा के इसको रेसिप्रोकेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा रेडियस न्यू का स्क्वायर अपॉन में हाँ अपॉन में जी एम और क्या अर्थ का नया मास न्यू मास ऑफ अर्थ। अब ध्यान चेक करिए बच्चों जीएम से जीएम क्या हो गया कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया बताइए। अब आपके पास जो फॉर्मूला बच्चों फाइनली आया है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो डब्ल्यू ओ अपॉन डब्ल्यू न्यू इज इक्वल्स टू क्या आया बताइए एम ओ अपॉन में क्या एम ओ अपॉन में आर ओ का स्क्वायर सही है और इंटू में आर एन का स्क्वायर अपॉन में एम एन। कोई डाउट है बताइए, तो ये फॉर्मूला देखिए हमने ड्राइव कर लिया कि नहीं कर लिया बताइए। अब जब ये फॉर्मूला आपने ड्राइव कर लिया अब जाके आप क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा हाउ डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरी, मतलब आपको कौन सा वेट फाइंड करना है, आपको न्यू कंडीशन वाला वेट फाइंड करना है, यानी कि डब्ल्यू एन के बारे में आपको जानकारी देनी है और वहां पे जरूर कोई कंडीशन दी होगी, क्या क्या चेंज किया जा रहा होगा, अर्थ का मास भी चेंज किया जा रहा होगा, अर्थ का रेडियस भी, हाइपोथेटिकल कंडीशन में मतलब कोई परिकल्पना करी जा रही है कि अर्थ का रेडियस चेंज हो जाएगा और अर्थ का मास चेंज हो जाएगा। आइए देखते हैं, तो कह रहा है कि हाउ डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरी विद रिस्पेक्ट टू मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ इन अ हाइपोथेटिकल केस। हाइपोथेटिकल केस क्या होता है, फिजिक्स की समझ बढ़ाने के लिए आपको न्यूमेरिकल कराने के लिए वो एक कल्पना करके आपको क्वेश्चन में देते हैं, तो कह रहा है इन अ हाइपोथेटिकल केस इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ। हाँ भाई एक बात बताओ कि डायमीटर अगर हाफ हो जाए तो रेडियस भी तो हाफ हो जाएगी, नहीं पता क्या डायमीटर, नहीं पता आपको क्या होता है, हाँ ये पूरा डायमीटर होता है ये, और डायमीटर अगर हाफ तो रेडियस भी क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो बच्चों एक काम करते हैं आप इसी डायग्राम में जरा थोड़ा सा देखिए, यहीं पे जगह तो है नहीं हमारे पास, आप यहीं पे देखिए बच्चों, अगर हम आपसे पूछें कि बच्चों आर ओ की वैल्यू कितनी, यानी कि ओरिजिनल रेडियस कितना है, फिगर देख के बताइए आर है ठीक, अगर हम आपसे पूछें कि ओरिजिनल मास बताइए बेटा अर्थ का कितना है, तो कैपिटल एम है दिख रहा है। अब यहाँ पे एक लाइन बच्चों हम इस फॉर्मूले को हटा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों एक लाइन हम खींच देते हैं और कौन सी कंडीशन अब लगाएंगे हम, हाइपोथेटिकल। अब हाइपोथेटिकल कंडीशन में क्या होता है देखिए, पढ़िए जरा इन हाइपोथेटिकल इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ, तो इस साइज का हाफ लगभग अर्थ बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। तो ये देखिए बच्चों ये हमने अर्थ बना दिया ऐसे, इसके हाफ लगभग लगभग आप समझ लीजिएगा। अब मुझे बताइए बच्चों ये रहा इसका रेडियस न्यू, तो बताइए आर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर अपॉन टू हो जाएगी कि नहीं, जो ओरिजिनल रेडियस था भाई उसको टू से डिवाइड कर दो
भाई डायमीटर अगर हाफ हो गया तो रेडियस भी तो क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों आर बाय टू कर दिया हमने, जो न्यू रेडियस है वो कितना कर दिया, आर बाय टू। अब आइए आगे पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ के करना, बिना पढ़ के कुछ मत करिएगा। कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ, तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई रेडियस भी नया वाला हाफ हो गया। कह रहा है कि ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, मतलब जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू थी, प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी, कैपिटल आर, उसका हाफ कर दिया तो न्यू रेडियस आ गया। कह रहा है कि इफ, हाँ अब आगे पढ़िए, एंड, एंड का मतलब एज वेल एज, मतलब ऐसा तो होता ही है क्या कि रेडियस हाफ हो जाती है, आगे ऐसा भी होता है, क्या होता है, इट्स मास बिकम फोर टाइम्स, फोकस करिए, इट्स मास बिकम्स फोर टाइम्स। तो पता नहीं क्या हुआ कि उसकी रेडियस हो गई, मतलब डायमीटर हो गया छोटा, मास क्या हो गया चार गुना, मतलब इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर जितना था ना बच्चों उसका फोर टाइम्स हो गया। मतलब ये है कि ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, अब जो मास होगा न्यू अर्थ का वो जितना मास पहले था, ओरिजिनल मास कैपिटल एम था, उसका क्या हो गया फोर इंटू एम हो गया भाई, फोर टाइम्स का मतलब फोर इंटू एम फोर एम हो गया। तो यहाँ आप क्या रखा करेंगे बताइए, फोर एम रखा करेंगे कि नहीं रखा करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने आगे का क्वेश्चन पूछा है, देन हाउ वुड द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ बी अफेक्टेड। तो अगर ऐसा हो जाए कि अर्थ चेंज होके ऐसे ही हो जाए कि रेडियस हाफ हो जाए और मास चार गुना हो जाए, तो उसी अर्थ के सर्फेस पे बॉडी का नया वेट कैसा महसूस होगा, कैसा होगा, जरा उसको बताइए। पुराने वाले वेट से हमको क्या करना है, कंपेयर करना है कि पुराने वाले वेट के कितने टाइम्स अब नया वाला वेट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो देखिए जरा क्या इसको हटा दें बच्चों, जो थ्योरी वाला पार्ट है बताइए। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग वीडियो पॉज करके बच्चों नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे आ जाइए जरा, ये सब नोट कर लिया ना आप लोगों ने। चलिए तो यहाँ पे आइए, क्या हो जाएगा बताइए, ओरिजिनल वेट ऑफ बॉडी, इसको आप लिख लीजिए डब्ल्यू को, ये क्या है ओरिजिनल वेट ऑफ बॉडी, और डब्ल्यू एन क्या है न्यू वेट ऑफ बॉडी। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ रखो बच्चों ओरिजिनल मास ऑफ अर्थ कितना था, कैपिटल एम। अब यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, ये क्या है ओरिजिनल रेडियस ऑफ अर्थ है, कितना है बोलो, आर है ना, तो आर नॉट स्क्वायर की जगह आर का स्क्वायर आ जाएगा। अरे भाई आर नॉट मतलब आर जीरो की जगह आर रख दो, तो यहाँ आर स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत। अब इंटू लगाए हमने, इंटू यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों नया रेडियस क्या है, आर बाय टू है, तो देखो बच्चों ध्यान से चेक करिएगा न्यू रेडियस क्या है बताइए, आर बाय टू। लेकिन बच्चों फोकस करिएगा, आपको आर रेडियस मतलब न्यू रेडियस का वैल्यू नहीं रखना, न्यू रेडियस के स्क्वायर का वैल्यू रखना है। तो यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो देखिए बच्चों लेफ्ट में भी स्क्वायर किया और राइट में भी स्क्वायर किया, तो ये स्क्वायर इसको मिलेगा, तो ये आर स्क्वायर एन हो जाएगा, और ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको भी, तो ऊपर हो जाएगा क्या आर स्क्वायर, और नीचे टू का स्क्वायर क्या होता है फोर, कोई डाउट है बताइए। तो इसका मतलब आर एन स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे बताइए, आर स्क्वायर बाय फोर, कोई डाउट है। और अपॉन में देखिए, ये अपॉन में आपको मास न्यू रखना है अर्थ का, तो बोलिए न्यू मास कितना है, फोर एम है, तो बस उतना ही रखना है, कोई स्क्वायर स्क्वायर नहीं करना है, चेक कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या रखा, फोर एम, कोई डाउट हो तो बताइए। अब बच्चों देखिए बहुत क्लियर है यहाँ पे, क्या ये m से m कट गया, इसी को मैं आगे सॉल्व कर लूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर होता है, और ये फोर कहाँ जाएगा, नीचे, ये भी नहीं पता क्या, हाँ अरे भाई ये फोर आके फोर में नीचे मल्टीप्लाई कर देगा ना, हाँ तो क्या हो जाएगा ऊपर बोलिए, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और अपॉन में देखो फोर इंटू फोर बच्चों सिक्सटीन हो जाएगा, और इंटू में क्या बचा हुआ यहाँ आर स्क्वायर। अब ये देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, अब ऊपर कुछ नहीं बचा, तो आप वन ही तो मानोगे, तो वन अपॉन सिक्सटीन बचा, यानी कि यहाँ से क्या आ गया, ध्यान से चेक करिए, ओरिजिनल वेट ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय व्हाट, न्यू वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू वन बाय सिक्सटीन। ठीक है, कोई डाउट है, आपको क्या निकालना था, न्यू वेट, तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो दिस इंप्लाइज, एक काम करते हैं, हाँ रेसिप्रोकेट करते हैं पहले, चलो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेट न्यू डिवाइडेड बाय वेट ओरिजिनल इज इक्वल्स टू ये वन अपॉन सिक्सटी, भाई इसको अगर पलट दिया रेसिप्रोकेट तो इसको भी कर दो, तो सिक्सटीन अपॉन वन हो जाएगा, ये कोई डाउट है बताइए। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय वॉट, इसको हटाना है यहाँ से, तो डब्ल्यू नॉट ऑन बोथ साइड, वेट ऑफ न्यू से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया, और वेट ऑफ ओरिजिनल से हमने राइट में, और वेट ऑफ ओरिजिनल से हमने लेफ्ट में, ये इससे कट गया, अरे होगी तो कोई क्वांटिटी ही ना, ये कट गई, क्या दिक्कत है। अब यहाँ से चेक करिए जरा, ये लेफ्ट में क्या बचा, वेट ऑफ न्यू इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट, 16 अपॉन वन तो 16 होता है, और 16 इंटू डब्ल्यू नॉट क्या जाएगा, 16 इंटू डब्ल्यू नॉट। अब बताइए इस बात को आप फिजिक्स में कैसे पढ़ेंगे या मैथ्स में, न्यू वेट ऑफ द बॉडी बिकम 16 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वेट। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ आंसर में बताइए, कि इन दिस हाइपोथेटिकल कंडीशन, जो भी इन्होंने बोला है कि न्यू वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स व्हाट,
16 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल जब अर्थ में कोई चेंजेस नहीं हुए थे, ओरिजिनल वेट. ओके सुनो, अगर ऐसा हो जाए ना तो तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. पता है तुम अभी जो बैठे हुए हो तो तुम्हारी आदत बचपन से पड़ गई कि अर्थ हमको खींच रही है. तो एक्चुअल में तुम जब अभी ये चेयर पे बैठे हो ना तो तुम्हारा वेट कहाँ लग रहा है? चेयर पे. और चेयर तुम पे रिएक्शन लगा रही है और वो रिएक्शन तुम झेलने की तुम्हारी आदत पड़ चुकी है. लेकिन अगर सडनली ऐसा हो जाए तो आप थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा क्या मेरे साथ, बहुत परेशान हो जाओगे. 16 गुना रिएक्शन तुमको झेलना पड़ेगा अपने ऊपर. पता है दबाव आएगा एक तुम्हारे बॉडी पे जो तुम बैठे हो ऐसे. बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो फिर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे और भी सारी चीज़ें चेंजेस होंगी. तो अब हम इतना डिस्कस नहीं करते, इसको आप नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहा हाउ डज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन देयर मासेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम. ये तो हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल. चेक करिए, अगर आपके पास दो मासेस हैं m1 और m2, इनके सेंटर टू सेंटर बच्चों डिस्टेंस अगर कितना है, d है, r है, जो मानना हो मान लो, ठीक है. इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर कितना है, d है, तो इनके तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा होगा बिटवीन टू बॉडीज, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. तो ये स्टेटमेंट आप खुद लिखिएगा, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ मासेस. एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. नहीं, नो, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. नहीं, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस. तो ये तो कहानी खत्म हो गई, सिंपल सा था, ठीक. अब देखिए बच्चों, अब आगे क्वेश्चन जो पूछा है वो बड़ा मजेदार है. कह रहा है स्टूडेंट टॉट दैट द ब्रिक्स टाइट टुगेदर वुड फॉल फास्टर देन अ सिंगल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. ओके, बहुत बढ़िया. ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये एक ब्रिक है, ठीक है. इसको हमने ब्रिक ईंट है एक, हमने इसको फ्री फॉल कराया, सही है. अंडर द ग्रेविटी फ्री फॉल हुआ, मतलब इस पर एक्सलेशन कितना लग रहा है? 9.8. अब हम लोग लखनऊ में तो ऑब्वियसली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है. तो बच्चों इस बॉडी पे एक ब्रिक है, इसको ईंट मान लो, ठीक है. तो ये ब्रिक है बच्चों, इस पे जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है वो जी है. कितना है जी? इस डायग्राम को हटा देते हैं थोड़ा सा, बात मानिए, बात समझिए. ये देखिए, तो ये देखिए बच्चों, केस वन, जब एक सिंगल ब्रिक गिर रहा है तो ये फ्री फॉल जब करेगा, तो ये देखिए ये फ्री फॉल कर रहा है बच्चों, इस पर एक्सलेशन कितना लग रहा है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जिसका मतलब होता है क्या? 9.8 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड. इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि जब ये बॉडी फ्री फॉल करती है, जैसे ही समय स्टार्ट होता है, जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं, फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होती होगी, लेकिन ये अंडर द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सलेट होता है. इसका मतलब हर एक सेकेंड इसमें कितनी वेलोसिटी आती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाती है. वेलोसिटी की मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, बिकॉज ऑब्जेक्ट कहाँ चल रहा है? स्ट्रेट लाइन पे. तो जो वेलोसिटी है का जो वेलोसिटी है वही स्पीड है अभी, ठीक है. चलो कोई बात नहीं. अब देखो, तो ये एक्सलेट करेगा कैसे? 9.8 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड से, यानी कि हर एक सेकेंड इसको कितनी स्पीड मिलेगी? हाँ, ठीक है. अब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चल रही कि नहीं चल रही, बताइए. बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, ये देखिए ऐसा, ठीक. अच्छा, अब उस बच्चे ने क्या सोचा कि अगर मैं दो ब्रिक को, आइडेंटिकल ब्रिक्स हैं, एक जैसे ब्रिक्स हैं, दोनों को बांध दूं. ऐसा बांधने का मतलब है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए, जो रस्सी आपने, जिस रस्सी से बांधा है या जिस फेविक्विक से या फेविकोल से चिपका है, उसका मास आप नेग्लिजिबल मान के चलिएगा. नहीं तो इसका मास जो है जस्ट ओके ओके, आप उसका मास भी ले लो तो फर्क पड़ेगा नहीं, अभी हम आपको बता रहे हैं, रुक जाइए. दोनों को बांध दीजिए, ठीक है, और ऐसा फ्री फॉल कराइए. जब दोनों को बांध के आप फ्री फॉल कराओगे तो बच्चों केस टू में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जरा, सॉरी ये केस टू है. तो केस टू में जो आप अगर देखें बच्चों, ये देखिए, ये दो ब्रिक्स हैं, इस बार ये सिंगल ब्रिक नहीं है, ये ब्रिक है और इसके बगल में एक और ब्रिक है, मान लीजिए इसको बांध दिया. तो अब टोटल मास अगर बच्चों इसका कितना था? m था. तो इसका कितना हो जाएगा? टोटल मास 2m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए. तो बच्चा क्या सोच रहा है कि अगर हम इसको दो ईंट को एक साथ बांध दें, m प्लस m, 2m, भाई उसका मास जस्ट दो गुना हो जाएगा ना. अगर 1 किलोग्राम की ब्रिक है तो अब 2 किलोग्राम की हो जाएगी, अगर एक ब्रिक 2 की थी तो अब 4 की हो जाएगी. तो मान लिया कि ब्रिक m किलोग्राम की थी तो दूसरी वाली क्या हो गई, मतलब दोनों को जब साथ में बांध दिया तो 2m हो गई. मतलब बच्चों कहने के लिए दो ब्रिक हैं बट बॉडी तो एक ही है, दोनों को टाइट कर दिया, सही है. अब इस बॉडी को फ्री फॉल कराइए, चलिए. इस पे भी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगेगा? स्टूडेंट तो वहीं खड़ा हुआ है ना अपने घर पे जहाँ पे वो फ्री फॉल करा रहा है, जी की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, समझ लो ना. ऐसा तो है नहीं कि एक को उन्होंने पोल पे ले जाकर फ्री फॉल कराया, ऐसा तो कंडीशन दिया नहीं एक को इक्वेटर पे, तो जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी. तो यहाँ पर बच्चों जो दोनों ईंट एक साथ आ रही है नीचे, दोनों जो ब्रिक्स नीचे आ रही हैं, इस पे भी एक्सलेशन लगेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड. यानी कि हर एक सेकेंड इसकी भी वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, 9.8 स्पीड कितनी बढ़ेगी, ऐसे बोल सकते हो आप, 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज. अरे स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड ना,
ठीक है, यानी कि एक सेकंड में इसको कितनी स्पीड मिल जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड, अगले एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड और मिल जाएगी, तो 9.8 में 9.8 ऐड कर देना, अगले एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड और मिल जाएगी उसको ऐड कर देना। तो आप एक चीज़ देख रहे हो क्या, अगर हम दो सेकंड के बाद चेक करें तब भी दोनों सिस्टम की स्पीड क्या होगी सेम, तीन सेकंड के बाद चेक करें तभी स्पीड। अब एक बात बताइए बच्चों, ये रहा ग्राउंड, सही है, और देखिए ये चला कितना एच, भाई इसको भी एच चलना है और इसको भी कितना चलना है एच। एच क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस है यहाँ पर, या डिस्प्लेसमेंट भी आप बोल सकते हैं, तो डिस्टेंस है। अब एक बात बताइए बच्चों कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है आपका, हाँ ये तो पता होगा ना, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को इधर ले जाओ और स्पीड को इधर ले जाओ, ठीक है ना, तो टाइम क्या आ जाएगा बच्चों बताइए, टाइम हो जाएगा आपका क्या, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, कोई डाउट है बताइए। अब एक बार बताइए बच्चों, किसी भी टाइम पे आप चेक करो तो जो इसकी स्पीड है वही इसकी स्पीड है, सही है ना। तो एक बार बताइए, जितनी स्पीड से ये टकराएगा ग्राउंड पे उतनी ही स्पीड से तो ये टकराएगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए दोनों ने सेम स्पीड गेन कर ली हुई है, मैं आपको फील करा रहा हूँ बस। तो एक बार बताइए, यहाँ पे सपोज इसने इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम टी लिया है, तो टाइम टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, टाइम टी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना चला ये एच, और स्पीड मान लिया कि ये ग्राउंड पर टकराता है वी स्पीड से, कितनी स्पीड से वी। यहाँ पे भी ध्यान से चेक करिए, सेकंड केस में टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस कितना चला, ये भी एच चला है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय स्पीड, इसने भी कितनी स्पीड गेन कर ली होगी, क्योंकि दोनों ही सेम एक्सेलेरेशन से एक्सेलेरेट होते हैं, बात समझ में आई। तो बताओ दोनों को टाइम सेम लगा कि नहीं। एक तो हमने आपको इस तरीके से दिखाया, ठीक। दूसरा तरीका ये है कि जो हमको एनसीईआरटी एग्जामिनर बच्चों सिखाना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। इसी के फील पे वो वाला फील है, फील क्या है जरा समझिए। क्या आपने स्मॉल जी की वैल्यू बच्चों पढ़ी है, कैसे निकाली जाती है क्लास में, देखिए क्या होता था, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स, याद है। तो सुनो, अगर हम बोलें कि भाई अर्थ इसको खींच रही है, कितने फोर्स से खींच रही है, तो आप बोलोगे जो इसका वेट है उतने ही फोर्स से खींच रही है। तो बताइए ये वाली जो ब्रेक है इसका वेट बोलिए कितना है, इसका ब्रेक वेट कितना है, एम इन टू जी, वेट निकालना नहीं आता है। और यही जो वेट है यही तो किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पुल के, जो ग्रेविटेशनल पुल कर रही है अर्थ इसके ऊपर, सही है ना भाई, ग्रेविटेशनल लॉ भी तो लगाओगे ना, ये अर्थ इसको खींच रही होगी कितने से, उसके वेट से, तो वेट ग्रेविटेशनल पुल के तो इक्वल होगा, तो वेट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पुल। क्या होता है ग्रेविटेशनल पुल का फॉर्मूला, क्या होता है, m1 m2 upon r square, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, m1 की जगह ब्रिक का मास, m2 की जगह अर्थ का मास अपॉन में r का स्क्वायर, जहाँ पे r क्या होगा, अर्थ का रेडियस होगा, ये वाला h हम इग्नोर कर देंगे, अर्थ कहीं ऐसे होगी ना, उसके सेंटर से ये डिस्टेंस r ही लेंगे, समझ में आई बात की नहीं। तो ये हो गया, अब देखिए बच्चों यहाँ m से m कट गया, सही है, तो g किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल अर्थ के मास पे और अर्थ के रेडियस पे, ये जो जी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। फिर भी अगर आपको नहीं भरोसा होता है तो आप चेक करिए दूसरे केस में, अगर हम आपसे पूछें कि दूसरे केस में बताइए बॉडी का वेट कितना है, तो आप बोलोगे सर बॉडी का मास इंटू जी, बॉडी का मास इंटू जी। अब ये पूरी बॉडी का मास कितना है बताइए, 2m, तो बॉडी का मास हो गया 2m इंटू जी, ये आ गया बॉडी का वेट, और इसी जो ये वेट होता है यही तो वेट किसके इक्वल होता है, ग्रेविटेशनल पुल के। तो ग्रेविटेशनल पुल का फॉर्मूला क्या होता है, m1 m2 upon r square, m1 की जगह हम इस बार 2m रखेंगे, क्योंकि पहली बॉडी कौन सी आपकी, ये जो दोनों ब्रिक को बांध दिया है, तो m1 इंटू m2, m2 की जगह अर्थ का और अपॉन में r का स्क्वायर। अब बताइए 2m से 2m कटा कि नहीं कटा, तो स्मॉल g क्या आ गया, कैपिटल m upon r square, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पे डिपेंड ही नहीं करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपने निकाला वो कौन सा मास ऊपर से फ्री फॉल कर रहा है उस पर वो डिपेंड ही नहीं करता, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर बच्चों मास पर डिपेंड ही नहीं करता तो तुम एक ब्रिक को फ्री फॉल करा दो, दो को करा दो, तीन को एक साथ करा दो सेम हाइट से, तो दोनों सेम टाइम पे ही तो ग्राउंड पे पहुंचेंगे। क्यों सर, इसलिए क्योंकि वो अंडर द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही तो उसको स्पीड देता है 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है बताइए। तो हमने यहाँ पर बच्चों क्या लिखा कि ये जो बच्चे ने हाइपोथेसिस सोची, हाइपोथेसिस मतलब अपने मन में परिकल्पना करी, क्या परिकल्पना करी कि दोनों ब्रिक को अगर हम बांध के छोड़ देंगे, फ्री फॉल करा देंगे एक साथ, तो वो जल्दी पहुंच जाएगी, ये गलत सोचा, और ऐसा आप भी सोचते होगे मेरे ख्याल से, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो दिस हाइपोथेसिस इज नॉट करेक्ट, व्हाई, बिकॉज द टू ब्रिक्स लाइक अ सिंगल बॉडी फॉल विद द सेम स्पीड टू रीच द ग्राउंड, दोनों को सेम स्पीड मिलेगी, मैंने भी आपको करके दिखाया, एट द सेम टाइम इन केस ऑफ फ्री फॉल, रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, रीजन फिर इसके बाद जगह नहीं थी, यहाँ लिखा है बिकॉज एक्सेलरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द
फॉलिंग बॉडी, ये फॉलिंग बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में है कि नहीं? एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है बच्चों यहाँ पर प्रूफ करने का, इतना कर दोगे आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा तरीका वही अपना पुराना तरीका, क्या देखिए केस वन के लिए जरा टाइम निकालिए स्टूडेंट्स। एस इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, यू टी, एस क्या होता है डिस्टेंस, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस की जगह क्या आ जाए, कितना डिस्टेंस चला है, हाँ एच, तो इनिशियल स्पीड कितनी, जीरो। अरे भाई फ्री फॉल में यू कितना होता है, जीरो, तो जीरो इंटू टी कितना हो जाएगा, जीरो, तो यहाँ आ गया जीरो और वन अपॉइंट टू। और ए एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, जी, तो ए की जगह हम क्या रख देंगे, जी, और यहाँ हो गया टी स्क्वायर, सही है। तो ये हो जाएगा क्या, एच इज इक्वल टू जीरो प्लस वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट टू जी टी स्क्वायर, नाउ मल्टीप्लाइंग बाय टू ऑन बोथ साइड, टू से टू गया और ध्यान चेक करिए टू एच और अपॉन में क्या आ गया, जी आ गया और टी का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगाओगे, स्क्वायर रूट, तो टाइम कितना आ गया, रूट ओवर टू एच बाय जी। ध्यान से चेक करिए, अगर आप केस टू के लिए भी कैलकुलेट करेंगे तो केस टू के लिए भी एस इज इक्वल टू क्या लगाएंगे हम लोग, एस टी प्लस हाफ, ए की जगह क्या आ जाएगा जी टी स्क्वायर, सॉरी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सारे कैलकुलेशन सेम होंगे। ए की जगह जी रखोगे, इसका भी तो फ्री फॉल था, तो यू कितना रखोगे, जीरो, और ये भी तो एच हाइट तक नीचे फ्री फॉल किया है, तो यानी कि जब टाइम की वैल्यू यहाँ से आएगी तो सेम कैलकुलेशन से रूट ओवर टू एच बाय जी आएगी। अब एक बार बताओ, पहले केस में टाइम और दूसरे केस में टाइम सेम नहीं दिखाई पड़ रहा, बताइए क्यों? सर सेम दिखाई पड़ रहा है, इसलिए सेम दिखाई पड़ रहा है क्योंकि ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे भी जी है, और हम अगर एक जगह पे खड़े हैं तो जी क्या है, वहाँ सेम है, उसके बाद दोनों का एच क्या था, सेम। तो अगर दोनों का एच सेम है, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी है एच, तो टू एच भी क्या होगा, दोनों का सेम, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, सेम, यही तो टाइम है, तो दोनों का टाइम क्या हो गया, सेम। ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन रादर देन ऐसे करने के हम फील लेके आए क्वेश्चन में, हमने बोला भाई उसको एक्सलेट कौन करता है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी करती है, ठीक। तो वो एक्सलेशन अगर मास पे डिपेंड कर जाता, मान लो मतलब ऐसा कुछ होता, मान लो कि भाई एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पे डिपेंड करता, तो ऐसा कुछ होता कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर मास होता, तो जिसका मास ज़्यादा है उसको फटाफट स्पीड मिल जाती क्योंकि उसकी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होती, तो वो जल्दी गिर जाता। ऐसा तो नहीं है फॉर्मूले में, आपने देखा। तो ये तो हमने आपको बस फील कराया, आप ऐसे ही रीज़न देके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है, बताइए। ये तो मोशन वाले चैप्टर से हमने कर दिया इसको, कोई डाउट है बताइए। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 और 26 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें, पिन कमेंट पे रीड मोड पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस खुल के आ जाएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में चेक करिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिल, और हाँ एक चीज़ और, शॉर्ट में पढ़ना छोड़ दें तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।